नीट यूजी परीक्षा मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं। नीट यूजी परीक्षा पर आज होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। नीट यूजी परीक्षा में आज होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। नीट केस की 38 याचिकाओं पर सुनवाई आज। बता दें कि कोर्ट में कुल 38 याचिकाओं पर सुनवाई की जाएगी। कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं 24 लाख निगाहें। कई छात्रों ने परीक्षा रद्द करने की भी मांग की है। मांग को लेकर कोर्ट में याचिकाएं भी दाखिल की गई हैं। वहीं कुछ छात्रों की मांग रद्द ना हो परीक्षा। तो नीट यूजी परीक्षा मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कुछ छात्र मांग कर रहे हैं कि परीक्षा को रद्द किया जाए, तो वहीं कुछ छात्रों का कहना है कि परीक्षा रद्द ना की जाए। फिलहाल इन सभी याचिकाओं से जुड़ी हुई सुनवाई होगी। करीब 38 याचिकाएं हैं जिन पर सुनवाई आज की जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, देखा जाए तो करीब 38 याचिकाओं पर सुनवाई की बात सामने आ रही है, जिसमें स्टूडेंट्स की याचिकाएं भी शामिल हैं, जहां पर कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि एग्जाम रद्द किया जाए, तो वहीं कुछ इसको लेकर के मना कर रहे हैं कि ना रद्द किया जाए। फिलहाल क्या अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरीके से रीनीट करवाया जाएगा या फिर नहीं? नीट यूजी परीक्षा 2024 पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में करीब 38 याचिकाएं लगाई गई हैं। इनमें कुछ छात्रों की तरफ से लगाई गई हैं, कुछ कोचिंग संस्थानों की तरफ से लगाई गई हैं, कुछ याचिकाएं जनहित भी हैं। इसके साथ ही कुछ समाज सेवी संगठनों भी याचिकाएं लगाई हैं। आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, उनके साथ न्यायमूर्ति JB पारदीवाला, साथ ही साथ न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा, यानी तीन जजों की खंडपीठ आज नीट यूजी परीक्षा पर सुनवाई करेगा। 38 जो याचिकाएं लगाई गई थी, उन सभी याचिकाओं को एक साथ कंपाइल किया गया है, यानी 38 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई होगी। इसमें कुछ चुनिंदा याचिकाओं में कहा गया है कि परीक्षा पर रोक लगा, परीक्षा को कैंसिल करके दोबारा कराया जाए। कुछ याचिकाओं में कहा गया है कि जो काउंसिलिंग परीक्षा हो रही है, उसको तत्काल प्रभाव से रोका जाए। इसके साथ ही साथ कुछ याचिकाओं में कहा गया है कि जो पेपर लीक हुआ है, उसको लिए पेपर को निरस्त किया जाए और दोबारा कराया जाए, और इसके जो दोषी लोग उन पर कार्रवाई की जाए। तो इस तरह की तमाम याचिकाएं हैं जिनको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। और जब सुनवाई होगी तो सरकार के तरफ से भी सॉलिसिटर जनरल और एसोसिएट सॉलिसिटर जनरल FES राजू पेश होंगे। तो यह है कि सरकार की तरफ से पक्ष ये रखा जाएगा और दलील भी दी जाएगी परीक्षा निरस्त ना की जाए, जबकि जब जनहित की याचिकाएं छात्रों की तरफ से लगाई गई याचिकाओं में परीक्षा निरस्त करने की मांग उठाई जाएगी। अब ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ जब अपनी खंडपीठ के साथ सुनवाई करेंगे तो क्या परीक्षा को निरस्त करते हैं। बिल्कुल, देखा जाए अखिलेश जी, तो इस फैसले पर आज करीब 24 लाख निगाहें भी टिकी हुई हैं, जिन्हें इसके इस सुनवाई के बाद फैसले का इंतजार है। बहुत शुक्रिया आपका अधिक जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो वही खबर आपको बताते हैं, जहां पर CM हेमंत सोरेन की कैबिनेट का होगा विस्तार। दो चेहरों को मिल सकती है जगह, सभी मंत्री फिर लेंगे शपथ। आज होगा कैबिनेट का विस्तार। तो आज होगा कैबिनेट का विस्तार, दो चेहरों को मिल सकती है मंत्रिमंडल में जगह। सभी मंत्री फिर लेंगे शपथ। सभी मंत्री फिर लेंगे शपथ। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह लगातार जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, देखा जाए तो अभी कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शपथ ली है, और उसके बाद कैबिनेट के विस्तार की बात सामने आ रही है, जहां पर दो नए लोगों को जगह मिल सकती है मंत्रिमंडल में। कौन कौन से दो लोग माने जा रहे हैं? झारखंड के मुख्यमंत्री किशोर हेमंत सोरेन ने शपथ लेने के बाद आज विशेष सत्र भी बुलाया है और मंत्रिमंडल का विस्तार भी होना है। झारखंड के मंत्रिमंडल का विस्तार से पहले सरकार अपने को पुख्ता करने के लिए विधानसभा में विशेष सत्र में बहुमत परीक्षण करना चाहती है, यानी वोटिंग के साथ सरकार को पहले सुरक्षित कर लेना चाहती है, ताकि किसी भी तरह का कोई संकट सरकार पर ना रहे। तो आज ये उम्मीद लगाई जा रही है कि विधानसभा में विशेष सत्र के दौरान सरकार पहले बहुमत परीक्षण करेगी, बहुमत सिद्ध करने के बाद सरकार का विशेष सत्र खत्म हो जाएगा, और झारखंड सरकार का विशेष सत्र खत्म होने के बाद फिर सरकार के मंत्रिमंडल की
मंत्रिमंडल का भी रखा गया है। और तो इसमें आपको बता दें कि झारखंड सरकार में यानी हेमंत सोरेन की अगुवाई में चलने वाली झारखंड सरकार में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कुछ विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है। इसके साथ इनके साथ सहयोगी कांग्रेस पार्टी के जैसे पहले बन्नी गुप्ता को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था, तो उनका भी बनना तय है। इसके साथ ही साथ आपको राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों का सरकार को समर्थन है, तो उनके तरफ से भी मंत्री बनना तय है। और जिन मंत्रियों को कांग्रेस के तरफ से और राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से पहले हेमंत सोरेन की सरकार में और चंपई सोरेन के सरकार में शामिल किया गया है, तो पूरी उम्मीद है कि उन्हीं विधायकों को एक बार फिर मंत्री बनने का मौका मिलेगा। अभी नए विधायकों को मंत्री बनने का मौका फिलहाल इस वक्त नहीं मिलने की उम्मीद है। अगला जब विस्तार होगा उसमें उनको शामिल किया जा सकता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अखिलेश जी अधिक जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। तो आपको बता दें कि 4 जुलाई को हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद आज मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा, जिसमें 2 नए लोगों को मंत्रिमंडल में जगह भी दी जा सकती है।